हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर ENV क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर 16, माय हाउस। माय नेम इज नसीम। आई लिव इन श्रीनगर। सिंस यस्टरडे देर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी इन अवर स्कूल। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक। Do you know why? There is a camp beginning held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of cloth to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and saw dust. Today, the first day of the camp, we are very happy. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. Each of us introduced ourselves and spoke about where we come from and what we like to eat. Children brought picture of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group, we the first to talk. यहाँ पे एक नसीम नाम का लड़का है जो श्रीनगर में रहता है। उसके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके स्कूल में एक कैंप लगा हुआ है और यह कैंप में अलग अलग प्लेसेस के यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने पहले ग्राउंड में टेंट बनाया और अपने स्कूल को डेकोरेट किया, सूखे पत्तों से रंगोली बनाई। आज उस कैंप का पहला दिन है, हम बहुत खुश हैं। सुबह हम सब बच्चे एक सर्कल में बैठे हैं और वन बाय वन सबका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, कहाँ से है और क्या खाना पसंद है। अपने फैमिली के फ़ोटोज़ भी दिखाते हैं, उसके घर के भी फ़ोटोज़ दिखाते हैं। यहाँ पे हम पहले भूपेन के ग्रुप की बात करते हैं। भूपेन इंट्रोडक्ट हिमसेल्फ एंड सेड, व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन हाउस मेड अप ऑफ बम्बू और वुड। आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम। इट रेन्स हैवीली इन अवर प्लेस, हैंस अवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स। Inside of our houses are also made of wood. भूपेन कहता है कि वो असम के मोलन विलेज में रहता है। वहाँ खूब भारी बारिश रहती है, इसलिए 10 से 12 फीट ग्राउंड से ऊंचे मकान होते हैं। जो उसके पिलर्स में है वो बम्बू है, यानी वास के लकड़ी, और मकान है जो वो लकड़े का होता है, जो हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई देता है। नाउ इट वॉज चमेली टर्न। सी सेड, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज अ हिली एरिया। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नो एज वेल। व्हेन इट इज वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। Our houses are made of stone or wood. अब चमेली का टर्न आया। वो कहती है, मैं मनाली की हूँ, जहाँ पर्वतों से घिरा हुआ स्थान है। वहाँ पे बहुत ठंडी लगती है और हमें सन की धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर से और लकड़े से बने हुए होते हैं। मिताली एंड अनुज सेड, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम राजकोट। दे शोड पिक्चर्स ऑफ राजकोट टू एवरीवन।
In one picture, seeing very high building, Bhupen said, "Oh, such tall houses. How do you climb up?" "People go up in building with the help of lifts. New Delhi is the capital of India. People from villages and towns come to big city like Delhi in search of work. Those people often settle in the city. There are a large number of people living here and the space is less. Many people do not have house at all. They have to live in slums and many people do not have that either. People sleep wherever they find place. On the road, on the footpath, at the station." मिताली और अनुज राजकोट से है। उन लोगों ने राजकोट के पिक्चर सबको दिखाए। भूपेन ने पूछा कि इतनी बड़ी लंबी बिल्डिंग्स है तो उसमें आप घर पे जाते कैसे? घर में जाने के लिए हमें लिफ्ट का यूज़ करना पड़ता है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। गांव से, नगरों से लोग दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, वहाँ सेटल होने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा है लेकिन रहने के लिए जगह कम है। कई लोगों के लिए तो रहने के लिए घर भी नहीं है। वे लोग सोने के लिए जगह नहीं होती है, इसीलिए रोड पे, फुटपाथ पे, स्टेशन पे सो जाते हैं। काशीराम टोल्ड एवरीवन, "I have come from Rajasthan. Rainfall is very scarce in our area. It is very hot too. We live in mud houses. The walls of the houses are very thick. These walls are plastered with mud. The roof are made of thorny bushes." काशीराम सबको कहता है कि मैं राजस्थान से हूँ, मेरे एरिया में बारिश कम होती है, यहाँ बहुत गर्मी रहती है। हम लोग मड के हाउसेस में रहते हैं, मड हाउस यानी कच्चे हाउस में रहते हैं, और वहाँ पे जो प्लास्टर होता है घर का वो भी मड का ही होता है, और उसका जो रूफ होता है वो थोनी बसेस के होते हैं। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चर प्रोग्राम वॉज हेल्ड। द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस। दे सॉन्ग फोक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेजेस। एवरीबडी हैड कहवा विथ आलमंड्स एंड कार्डमम। वी रियली एन्जॉयड अवर सेल्व्स। ग्रुप में हाउसेस के बातें करने के बाद कल्चर प्रोग्राम की बातें होने लगी। सब ने अपने अपने फोक डांस के बारे में बताया और भाषाओं के बारे में। साथ में बादाम और इलायची का जो कहवा था वो भी सबने एंजॉय किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द दाल लेक। वी सो अ हाउस बोट। वी सेट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओरस। वी सो द चार चिनार सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स। शाम को हम लोग दाल लेक पे गए थे, वहाँ पे हमने हाउस बोट देखा। हम लोग शिकारा में बैठे थे और कुछ बच्चे ओरस घूम रहे थे। चार चिनार हमने देखा और ब्लू माउंटेन्स भी हमने देखा। अ हाउस बोट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस। अ हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर एज इट ब्लिट ऑन अ लेक, वाइल अदर हाउसेस स्टे फ्रीमली ऑन द ग्राउंड वेयर दे आर बिल्ट। दिस इज द डिफरेंस
between houseboat and other houses. Look at the picture. Types of houses. Types of house: hut, igloo, tent, bungo, houseboat, buildings, etc. This is igloo. ये बर्फीले विस्तारों में होते हैं. ये बिल्डिंग है जो सिटी में हमें दिखाई देते हैं. ये पक्के हाउस है. पक्के हाउस में सीमेंट, लोखंड और पत्थरों से बने हुए होते हैं. ये टेंट है जो प्लास्टिक का कैनवास का बना हुआ होता है. ये है भूंगा. ये कच्चा हाउस है जो गाय के गोबर और मिट्टी से ये मकान बनते हैं और उसके जो रूफ़ है वो वनस्पति से बने होते हैं. तो ये कच्चे हाउस है. और ये हाउस बोट है जो पानी में ये मकान रह सकता है. ये भी एक लकड़े से ही बना हुआ होता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है और आशा रखती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया है.